सौराष्ट्र सीमेंट को ग्रीन रखा है, पर सिर्फ ऑब्जर्व करिए, बहुत इलिक्विड स्टॉक्स हैं ये सब, पर ग्रीन इसलिए रखा है कि NCLT का, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का, कि हरी झंडी मिलती हुई। ये गुजरात सिद्धि सीमेंट का जो सौराष्ट्र सीमेंट में मर्जर होना था उसको लेकर, तो हरी झंडी और ये स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे थे, लोअर एंड के आसपास हैं, मुझे लगता है ग्रीन, मैं इसको ग्रीन लेके जा रहा हूँ, दूसरे को नहीं, वो एंटिटी इसमें जाके मर्ज होनी है, सिर्फ इसीलिए ग्रीन रखा है और कोई रीज़न नहीं। कैन फिन होम्स ग्रीन लेके चलता हूँ, इंटरेस्टिंग है, बीच में बहुत कंसर्न्स माउंट हुए थे जब कैनफिन के CEO साहब छोड़ के गए थे, फिर इवेंचुअली खबर आई थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO बन गए थे, पर इसको लेकर तमाम अटकलें थी। खैर, वो अटकलें तो अब क्लैरिटी आ चुकी थी, जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया था तो ग्रीनर पैशर्स के लिए मूव कर रहे थे, तब ये लग रहा था पता नहीं क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कतें हैं, निकाला जा रहा है ये वो। अब एक रिस्पाइट के तौर पर अब नया अपॉइंटमेंट भी सामने आ गया है इस कंपनी के लिए, MD और CEO होंगे सुरेश श्रीनिवासन। ये दरअसल बंधन बैंक हाउसिंग फाइनेंस के हेड थे, जो वहां से मूव करके अब यहां पे MD CEO के तौर पे आते हुए। सुमितोमो केमिकल्स को ग्रीन रखता हूं, हालांकि केमिकल स्टॉक्स सारा मूड माहौल ठंडा पड़ गया, ये हम सब ने नोटिस कर रखा है, सारा मोमेंटम फिजल आउट हुआ जब पहले वो पैंडमिक के समय धीरे धीरे करके बहुत सॉलिड ये सब रीरेट हुए थे चाइना प्लस वन के नाम पे, और ऊपर से वो बीच में हुआ क्या था कि इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही थी उसके बाद फाइनेंशियल्स भी दिक्कत में आ गए थे। अभी खबर बस ये है इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा हटकर है, हमने इस खबर पे निगेटिवली रिएक्ट किया था, एक कंपनी के भावनगर गुजरात में जो साइट थी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जब हुआ था तब भी इस प्रोग्राम में मेंशन भी हुआ था वो स्टॉक। उस एक्सीडेंट के बाद गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लोजर नोटिस दिया था, ये फरवरी 25 को बंद हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, मार्च 4 को क्लोजर नोटिस था 3 महीने का। इंटरेस्टिंगली 20 मार्च को ये अपडेट आ गया, 20 मार्च को क्या था, वीकेंड पर अपडेट आ गया, 20 मार्च को हम रिएक्ट कर रहे होंगे कि वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो क्लोजर नोटिस दिया था उसे रिवोक कर लिया है, उसे वापस ले लिया है, तो अब प्रोडक्शन बहाल होता हुआ नजर आएगा इस कंपनी की भावनगर साइट में, इसीलिए इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और फाइनली हैवल्स को ग्रीन रख दिया है, हैवल्स ने अपना प्रोडक्शन कमेंस करा है एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, श्री सिटी प्लांट जो था उसमें, अब मेरे ख्याल से मार्च 17 हो गई, फ्राइडे पोस्ट मार्केट अपडेट आया है कि वो कमर्शियल प्रोडक्शन उस प्लांट में शुरू होता हुआ, समय पे होता हुआ, तगड़ी गर्मी से पहले के अपडेट्स ही हैं, तो इसीलिए ग्रीन रख दिया है। तो सिर्फ खबरों के चलते ये स्टॉक्स आज के लिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।